जिमीकंद जिसको दूसरी भाषा में सूरन भी कहते हैं, इसके अतिरिक्त अरबी जिसको दूसरी भाषा में घुइया भी बोलते हैं, इन सबको आप अगर छीलते हैं या फिर खाते हैं तो आपके हाथों में, गले में या फिर मुंह के अंदर एक अजीब सी खुजली होने लगती है। आज का वीडियो आप अंत तक पूरा देखें जिसमें इसी रोचक जानकारी का ही डीकोड करेंगे। पौधे अपनी पत्तियों को शाकाहारी पशुओं से बचाने के लिए अलग अलग प्रकार के उपाय अपनाते हैं जिनमें वे जानबूझ के इनको कड़वा कर देते हैं, कुछ दुर्गंध युक्त कर देते हैं, कुछ पत्तियों को ऊंचाई पर ले जाते हैं, और भी कई तरीके के सभ्य तरीके हैं जो अलग अलग पौधे ये करते हैं। लेकिन अरबी या जिमीकंद जैसे पौधे इस तरीके से हिंसात्मक रूप अपनाए हैं। छूने पे वह अपना चाकू हाथों में गड़ा देते हैं और खाने पे गले और मुंह में खुजली करते हैं। खुजली इसलिए होती है क्योंकि इनके छोटे छोटे धारदार चाकू आपके मुंह में, गले की कोशिकाओं में फंस जाते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द आप सब्सक्राइब कर दीजिए, जिसमें हम ऐसी रोचक जानकारी जरूर से आपके तक पहुंचाते हैं। और अगर बेल आइकॉन को आप प्रेस कर देंगे तो हमारे सारे वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेगी जब भी हम इसको अपलोड करेंगे। एक रसायन होता है कैल्शियम ऑक्सलेट, ये सारे के सारे फोटोसिंथेसिस करने वाले सभी पौधों में पाए जाते हैं। इनका अलग अलग शेप, अलग अलग तरीके से पौधों में आते हैं और ये कोशिकाओं में जमा होते हैं। ये एक सामान्य सी प्रक्रिया है, या क्रिस्टल ऐसे आकार में नहीं होते हैं, लेकिन जिमीकंद या फिर घुइया या अरबी इस तरीके के जो पौधे होते हैं इनमें यही क्रिस्टल नोकीले और धारदार होते हैं। कुछ पौधों ने अपने संरक्षण के लिए इन्हें नोकीला बना लिया ताकि कोई इन्हें खा ना पाए, लेकिन मनुष्य कुछ ज़्यादा ही होशियार है। ऐसे सब पौधों को जब भी वो खाता है तो वो थोड़े से खट्टी चीज़ें मिला देता है, जिससे जो इसके काटने वाली प्रक्रिया होती है वो काफ़ी कम हो जाती है। और इसको पकाते समय नींबू या इमली अगर डाल दे तो ये सारे की सारी समस्या खत्म हो जाती है। नींबू, टमाटर जैसी अन्य खट्टी चीज़ों में एसिड होता है जो कैल्शियम ऑक्सलेट के नोकीले क्रिस्टल से प्रतिक्रिया करके उन्हें बहुत हद तक ख़त्म करते हैं। जो सब्जियां या कंद ऐसे खुजली करने वाले होते हैं उनसे सेहत पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन खाने में ये अजीब ही लगता है। कई लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो जाती है और कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनको ज़रा भी दिक्कत नहीं होती। आप कमेंट में ज़रूर बताइए कि क्या आपको भी ऐसी दिक्कत होती है। कैल्शियम ऑक्सलेट क्रिस्टल तो सभी पौधों में ही होते हैं, इनकी नोकीली इंस्ट्रूमेंट ये नोकीले होते हैं इसलिए ये रगड़ खाते हैं, और इसके कारण ही कि हाथ में, मुंह में या फिर गले में लगते हैं। तो उम्मीद करते हैं आपको आज का ये वीडियो ज़रूर अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा तो आज की इस वीडियो को आप लाइक और साथ में शेयर कर दीजिए। तो अब मिलते हैं आपसे फिर किसी और वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।